मईशत ना सिर्फ इस्तेहकाम बल्कि तरक्की की जानिब गामजन है। कोशिश रही है कि नया बजट हर तबके के लिए उम्मीद की किरण साबित हो। मौजूदा सूरत हाल में बेहतरीन बजट दिया, मुल्क को बहरानी कैफियत से निकाला। वज़ीर आज़म की मजबूत बजट पेश करने पर माशी टीम को मुबारकबाद। तर्जमानों को हिदायत की कि आवाम को बजट के निकात पर भरपूर आगाही फराहम करें ताकि गलत फहमियाँ फैलाने वालों के अजायम नाकाम हों। अवाम की जेब खाली है, एक वक्त की रोटी मुयसर नहीं। बजट में गरीबों को रिलीफ नहीं दिया गया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने बजट के तमाम आदाद शुमार जाली करार दे दिए। कहा, बजट में जिस तरक्की और खुशहाली का ढिंढोरा पीटा गया वो बनी गाला और उनके हवारियों की तरक्की है। शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान हुकूमती अराकीन का शोर शराबा और नारेबाजी, स्पीकर को इजलास मुलतवी करना पड़ा। पंजाब का 2653 अरब रुपए का बजट सूबाई असेंबली में पेश कर दिया गया। मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़। ग्रेड 1 से लेकर 19 तक के मुलाजमीन को 25% स्पेशल अलाउंस भी मिलेगा। तरक्याती बजट के लिए 560 अरब, सेहत के लिए 370 अरब रुपए रखे गए हैं। वज़ीर ख़जाना हाशिम जवां वक्त की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, बजट की कॉपियाँ फाड़ कर लहरा दी। पीटीआई नाला पार्टी बन गई है और नाले में बह जाएगी। विफाक सिंध को पैसे देकर एहसान नहीं कर रहा। 70% रेवेन्यू सिंध से जमा होता है। वजीर अला सिंध मुराद अली शाह विफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, जिन फंड्स का वादा किया उसका आधा हिस्सा भी नहीं मिला। सूबे के साथ शदीद नाइंसाफी हुई। रोड का कोई नया प्रोजेक्ट नहीं रखा बल्कि गैर जरूरी प्रोजेक्ट जबरदस्ती थोपे गए जिनकी जरूरत ही नहीं थी। कराची का सिस्टम कनाडा से चलाया जा रहा है। यूनुस मेमन सिंध का असल हुक्मरान है। सिंध हुकूमत का एक ही मंसूबा है, सूबे को बद से बदतर बनाओ। नाला साफ नहीं करा सकते तो सूबा कैसे चलाएंगे। सिंध के अलावा पूरा मुल्क तरक्की कर रहा है। 1500 मिलियन रुपए खर्च हो गए, एक भी आरओ प्लांट नहीं लगा। थर के लोग आज भी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। कराची में कायम पेट्रोलियम एंड क्लब और अलादीन पार्क का शॉपिंग सेंटर 2 रोज में गिराया जाए। कश्मीर रोड से तजावजात फौरी खत्म की जाए, पार्क दोबारा खोला जाए। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म। अदालत में 36,000 प्लॉटों की चाइना कटिंग की गूंज। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची को तमाम प्लॉट्स खाली करने का हुक्म दे दिया। औरंगी और गुज्जर नाले पर ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। जब टैंकर को पानी मिलता है तो घरों में क्यों नहीं आता। चीफ जस्टिस MD कराची वाटर बोर्ड पर बरहम। रिमार्क्स दिए कि वाटर बोर्ड को का अमला और महकमा कोई काम नहीं कर रहा, सब पानी चोरी में मुलव्वस हैं। रेलवे केस में रिमार्क्स दिए कि धर की ट्रेन हादसे के बाद लगा कि वजीर और सेक्रेटरी इस्तीफा देंगे मगर नहीं दिया। ये लोग सिर्फ लोगों को मरवा रहे हैं। छुट्टियां खत्म, पढ़ाई शुरू। सिंध में कल से 6 से लेकर 8वीं तक क्लासेस का आगाज हो जाएगा। प्राइमरी क्लासेस 21 जून से शुरू कर दी जाएंगी। सईद गनी का ट्वीट, जुम्मे की छुट्टी खत्म, कारोबार सिर्फ और सिर्फ इतवार को बंद हो जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करा। फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बोल न्यूज़ और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।